और हम आए हैं संडे को एंजॉय करने विद फैमिली. और कहाँ आए हैं भाई हम? प्रतापगढ़ फार्म हाउस झज्जर. तो ये फार्म हाउस है झज्जर में, हरियाणा में, और हम लोग भी हरियाणा में ही रहते हैं तो हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है. तो हम आया जाए हैं यहाँ संडे एंजॉय करने विद फैमिली. और देखिएगा फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या है फार्म हाउस में. और पहुंच गए हम प्रतापगढ़ फार्म हाउस. और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वो गेट है और अभी हम एंट्री करेंगे और एंट्री टिकट लगती है यहाँ पे. तो पहले हम टिकट्स लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि टिकट के चार्जेस क्या हैं. सो गाइस ये है फार्म हाउस का मेन गेट और यहाँ पे गेट आपको बहुत छोटा लगेगा बट जैसे ही आप एंट्री करेंगे गेट में तो ये अंकल आपका वेलकम करेंगे, आपको टीका लगाएंगे और बड़े अच्छे से आपका वेलकम होता है यहाँ पे. और उसके बाद आपको टिकट लेनी होती है. तो टिकट के चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं कि किड्स के लिए 5 to 10 years के लिए है 690 पर चाइल्ड और अडल्ट्स के लिए है 1230 पर पर्सन. तो 1230 बड़ों के लिए और बच्चों के लिए 690. और ये आपके फुल डे के चार्जेस होंगे. इसमें सब कुछ आपका खाना और हर एक्टिविटीज़ इसी में इंक्लूड होगी. और ये फुल डे पैकेज है आपका. और जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे ये ढोल के साथ आपका वेलकम होता है. और एंट्री करते ही आपको ये इंडियन कल्चर देखने को मिलता है जो कि हमारे गांव में होते हैं सब, ट्रैक्टर और जितने भी चीज़ें होती हैं. तो हमने तो इसमें बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए. और खाने में भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ. तो ये देख रहे होंगे आपने ये जैसे स्टैचू खड़े किए हुए हैं गाँव में, बैल और ये सब जिससे चारा वगैरह कटता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ. और उसके बाद करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे. आप पूरा दिन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहेंगे. और जिस दिन हम गए थे वो संडे था और उस दिन इतना रश था इस फार्म हाउस में क्योंकि उस दिन स्कूल्स के बहुत सारे बच्चे आए हुए थे पिकनिक के लिए. और एक नहीं, आई थिंक कम से कम 10 स्कूल उस दिन पिकनिक के लिए आए हुए थे. तो फार्म हाउस बिल्कुल फुल था, बच्चों की चहल पहल थी और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कहीं स्कूल में आ गई हूँ और आज स्कूल में कुछ एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, बच्चों की स्पोर्ट्स डे है बच्चों का, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी. और बहुत इंजॉय किया हमने, फुल डे फुल ऑन मस्ती रहा. बहुत कुछ है यहाँ पे आपको देखने के लिए, मतलब आप बहुत इंजॉय करेंगे. और मैंने तो अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया. तो इस साइड आपको ये सारा किचन एरिया मिल जाएगा. तो यहाँ पे ये बफे सिस्टम है जो कि दोपहर में शुरू होता है ये 1:30 और सुबह, क्योंकि मॉर्निंग के इसके टाइमिंग है 9:30 to 5:30 है, तो आपको मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद दोपहर में लंच मिलेगा और शाम को स्नैक्स और चाय, उसके बाद आप अपने घर आ सकते हैं. तो खाने की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जैसे अभी आप आगे देखेंगे. ये नींबू शिकंजी कॉच है और इधर बफे सिस्टम भी होता है. और अगर आपको ये सब नहीं है पसंद तो मेन यहाँ की जो खाने का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे भीड़ थी वो सामने आप ये हट देख रहे होंगे. और इन हट्स में बैठे थे, इन हट्स में हर हट्स में एक अलग वैरायटी का खाना बन रहा था. जैसे कि एक हट में था बाजरे की रोटी, एक में मक्के की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, सरसों का साग और गुलगुले, दूध जलेबी और मतलब बहुत कुछ. और सबसे ज़्यादा भीड़ थी यहीं. और ये देखिए एक हट में आंटी हैं जो गरम गरम रोटियाँ बनाएंगी और वहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा होता है, ये मुड्डे वगैरह होते हैं और आप बैठ के खाएंगे. और जैसे कि आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ रहे होंगे कि जलेबियाँ बहुत टेस्टी थी तो मैंने यहाँ पे जलेबी खाई. और बहुत कुछ है खाने की वैरायटीज़ बहुत हैं यहाँ पे. तो गन्ने, मूली, ये सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे जो आप मतलब अपनी बिजी डे रूटीन में आप भूल जाते हैं, हम ये सब चीज़ें हम नहीं खा पाते हैं. तो यहाँ पे आप गन्ने, मूली, ये सब भी बैठ के लोग मतलब दोपहर में धूप में और ये सब खा रहे थे. जैसे ये बच्चे भी गन्ने खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं. तो बहुत ही मस्ती भरा रहता है ये. खाने की वैराइटीज़ के साथ साथ में यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं. तो फुल डे लग जाता है हम एक्टिविटीज़ करते करते.
पेट पूजा के बाद हम आ गए हैं स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ कॉर्नर में, और यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटीज़ मिलेगी बच्चों के लिए, बुल कार्ट, कैमल कार्ट और कैमल ड्राइव और बहुत सारे स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और मतलब सारे स्पोर्ट्स जो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। और साथ में एक लॉन में आपको मिलेगा डीजे कॉर्नर, तो डीजे कॉर्नर देख के और मैं बच्चों को डांस करके, बच्चे डांस कर रहे थे, इतना शोर था, इतना मज़ा आया देख के ही, बहुत अच्छा लगा। और फिर जब डीजे बज रहा है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ, तो मैंने भी डांस किया, बहुत डांस किया और बहुत इंजॉय किया। तो जैसे कि देख रहे होंगे आप, मेरे बच्चों ने भी फुल मस्ती करी और बच्चों के साथ साथ मैंने भी बहुत मस्ती करी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कहीं फैमिली के साथ जाती हूँ और बच्चों के साथ बहुत मस्ती करते हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आती है। और हर एक्टिविटीज़ में मैं बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करती हूँ और अच्छे से इंजॉय करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे कि ये फैमिली प्लेस था और आप अच्छे से अपने बच्चों के साथ इंजॉय कर सकते थे हर स्पोर्ट्स को, हर चीज़ को। तो अगर आप चाहते हैं कि फैमिली के साथ एक फुल डे बिताना और बच्चों के साथ खेलना, घुलना, मिलना, तो आप ऐसे इसी तरीके से किसी फार्म हाउस पे पिकनिक के लिए एक दिन जा सकते हैं, संडे का दिन निकाल के जाइए और इंजॉय कीजिए। और ये देखिए वेल, जैसे कि पहले गांव के कुओं पे भीड़ लगती थी पानी खींचने वालियों की, पानी भरने वाले की, और यहाँ भी इस कुएं पे भी बहुत भीड़ थी, पर इस बार पानी खींचने के लिए नहीं, पिक्स कराने के लिए और हरियाणवी ड्रेस पहन के पिक्स कराने के लिए यहाँ भीड़ मची हुई थी। पीछे मड़ बात है और लेडीज़ का अलग है और जेंट्स का अलग है, और पानी बिल्कुल ज़मीन का है तो बहुत ठंडा पानी नहीं है और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए बच्चों को खेलता देख के मेरे दोनों बच्चे भी कूद पड़े, क्योंकि ये तो इनके फेवरेट गेम हैं, कंपटीशन वाले गेम इन दोनों को बहुत पसंद है, तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। छोटे बच्चे हैं और इधर ये बड़े बॉयज हैं, देखा छोटे बच्चे जीत गए हैं। तो इस फार्म हाउस में आपको देखने को मिल जाएंगे जानवर भी, जैसे कि हरियाणा की फेमस मुर्रा भैंस और गायें, कुछ उनकी जो नस्लें हैं वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो पोल्ट्री फार्म जिस तरीके से होता है, डेयरी वगैरह, ये सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे और अपने बच्चों को आप बता सकते हैं इन सब के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो स्पेशली ये हैन और रैबिट तो बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम बड़ों को भी देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे पिजन्स थे, कैमल आ रहा पीछे देखो। उसके बाद हम आए इस कॉर्नर में जहाँ पे था पॉटरी, जो बच्चों ने पॉटरी करी और कुछ दिए बनाए, और इस वाले कॉर्नर में बहुत कुछ था करने के लिए, तो मैंने भी कुछ पार्टिसिपेट किए, कुछ पिक्स कराई, और जैसे कि चक्की चलाना, तो ये जैसे पहले आटा पीसते थे ये सब चक्की थी यहाँ पे, तो ये आंटियाँ होती हैं जो आपको पता नहीं हरियाणवी या कौन से सॉन्ग गाती हैं और आपसे मतलब ये सब कराती हैं, बहुत अच्छा लगता है।
फिर इस कॉर्नर में लग रही थी मेहंदी, और ये मेहंदी भी आपके इसी टिकट में आती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो यहाँ सब मेहंदी लगवा रहे थे, तो मैंने भी अपने मेरी मेहंदी लग गई है। और फिर हम आ गए स्पोर्ट्स वाले लॉन में, तो यहाँ पे तो फिर बच्चों ने बस मस्ती करी। और फार्म हाउस में आपको मिलेगा एक ये गार्डन, छोटा सा उनकी नर्सरी है जहाँ पे ये सारे सैलेड्स उगाते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्लांट्स, सीजनल जो फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं वो सभी उगाए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा फार्म हाउस है, पूरा घूमेंगे और सब कुछ देखेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा और बहुत इंजॉय करेंगे फैमिली के साथ। तो सर्दियों में और धूप में ये सब देखना और घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पे मोस्टली जो पीक सीज़न है फार्म हाउस का वो है नवंबर टू जनवरी, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में यहाँ स्कूल बहुत पिकनिक के लिए आते हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ जाती हैं, तो आप जा सकते हैं और एक पूरा दिन आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे खेत में फसल कट रही है और ये सारा धान अनाज वगैरह निकल रहा है और सब लोग मस्ती कर रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पे खेल रहे थे ये बॉयज क्रिकेट, तो क्रिकेट जैसे डांस देख के मैं नहीं रुक सकती, ऐसे ही क्रिकेट खेलते हुए देख के मेरे हस्बैंड नहीं रुक सकते, तो उन्होंने भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेला और बहुत एंजॉय किया। और फिर हम आ गए दूसरे लॉन में जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए और बहुत कुछ देखने के लिए भी था, तो यहाँ पे पपेट शो हो रहा था वो हमने देखा। और ये अंकल जैसे मुड्डा बना रहे थे तो ये सब लोग देख रहे थे, और ये अंकल दरी बना रहे थे चद्दरें, तो काफ़ी कुछ देखने के लिए और सीखने के लिए था यहाँ पे, और मेरे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। फिर इन अंकल ने बच्चों के पगड़ी बांधी और पिक्स कराई, ये सभी एक्टिविटीज़ करी जो गुलेल चलाना और ये सब, तो मैंने भी बच्चों के साथ इंजॉय किया और फिर मुझे पता लगा कि मैं काफ़ी स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छी हूँ। और गाइस लास्ट में बची थी बस ये एक एक्टिविटी कैमल राइड जो कि हमने कर ली, और इस तरीके से पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा रहा। तो गाइड ये था प्रतापगढ़ का टूर, और 5 बज गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं और एंजॉय किया बच्चों ने। देखो गन्ने खा रहे हैं बच्चे, माही बच्चे आए एंजॉय किया, कैसा लगा? पॉटरी भी करी ना, ये आपने बनाया था? हाँ। ये सनी ने बनाया। सो गाइस ये था
था प्रतापगढ़ का हमारा वन डे पिकनिक और आउटिंग. बच्चों ने बहुत इंजॉय किया विद फैमिली. ये बहुत मजा आता है. टाइमिंग है 9:30 to 5:30 और अभी 5 बज गए हैं और हम निकल चुके हैं अब घर के लिए. और सही में बहुत इंजॉय किया हमने. मतलब फैमिली के साथ फुल इंजॉय, फुल पैसा वसूल है. बच्चों ने खूब मस्ती करी और हम सब ने भी, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ